हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑटोकैड सिविल 3D में कैसे हमारा सर्वे डेटा को टावर से एडजस्टमेंट करते हैं। तो सिविल 3D में टावर से एडजस्टमेंट करने के लिए दो ऑप्शन दिया गया है, तो हम दो ऑप्शन दिखाने के लिए दो वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज जो सीखेंगे ये है सर्वे का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एडजस्टमेंट, तो उसके मदद से भी हम लोग टावर से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपके डाटा दिखाता हूँ जो मेरा सर्वे का डाटा है। तो ये सर्वे का डाटा में यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले एक CSV फाइल ये ओपन है, तो इस फाइल में मेरा ये पॉइंट नंबर है और उसके बाद ईस्टिंग है, उसके बाद नॉर्थिंग है। सिविल 3D में जो टावर से एडजस्टमेंट होता है तो वो ओनली एक्स एंड वाई डेटा को ही कंसिडरेशन में लेता है, जेड को कंसिडरेशन में लेता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जेड नहीं है। आप अगर यहाँ पे जेड भी देते हैं तो आपका कंसिडरेशन में एक्स वाई को ही लेके वो टावर से एडजस्टमेंट देगा आपको। तो यहाँ पे डेटा में जो हमारा पॉइंट ID 1 है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो 6 है ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। तो 1 और 6 ये सेम पॉइंट है, मगर आप देख सकते हैं टावर्स का जो एरर होता है तो उसके वजह से ये अलग अलग ईस्टिंग नॉर्थिंग शो कर रहा है। तो ये हमारा स्टार्टिंग है और सेम यही हमारा क्लोजिंग है, और जो एरर आया है इस पॉइंट को क्लोजिंग जो एरर आया है इस पॉइंट में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पॉइंट का डेटा को आपको सिविल 3D के अंदर इम्पोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया हूँ। आप सिविल 3D में कैसे पॉइंट इंपोर्ट कर सकते हैं तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल जिसको सिविल 3D पॉइंट इंपोर्ट करना आता है तो इस डाटा को इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 नंबर और 6 नंबर पॉइंट लगभग पास में है, मगर यहाँ पे हल्का सा एरर है जिसके वजह से हमारा इस डेटा को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट करने के लिए तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक पॉली लाइन से ये टोटल पॉइंट को आपको जोड़ लेना है। तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट 1 था यहाँ से शुरू करता हूँ, ये मेरा 1 नंबर पॉइंट से है, तो यहाँ से 2 नंबर, उसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर 5 एंड लास्ट में हमारा 6 नंबर पॉइंट। तो ये हमारा 6 नंबर पॉइंट, इसको हम एक पॉली लाइन से जॉइंट कर लिया हूँ टोटल डाटा को। अभी एडजस्टमेंट करने के लिए आपको सर्वे मेनू में जाना है। सर्वे मेनू में आपके हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एडिटर, तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अभी हम यहाँ पे जो लाइन की ड्रॉ कर लिया हूँ तो डायरेक्टली आप यहाँ से लोड कर सकते हैं उस लाइन को आप टावर्स एडजस्टमेंट के लिए। तो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, इसका नाम है लोड टावर्स पॉली लाइन। तो इसको क्लिक करने के बाद आप आपका ड्राइंग में जो पॉली लाइन है इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सारा पॉइंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोड हो गया है। आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये आपका क्लोजिंग पॉइंट, ये आपका 6 नंबर क्लोजिंग पॉइंट। मगर आपको यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट का वैल्यू सेम स्टार्टिंग पॉइंट का वैल्यू में रखना पड़ेगा, और उसके बाद हार्ड लाइन का आपका एंगल एंड बियरिंग दोनों यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन लोड हो गया है। अभी यहाँ पे करता हूँ कि हमारा जो क्लोजिंग पॉइंट है तो एग्जैक्टली इसी कोऑर्डिनेट में क्लोजिंग पॉइंट है। आप चाहे तो यहाँ पे टाइप करके भी इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ड्राइंग से भी पिक कर सकते हैं। तो मैं ड्राइंग से पिक करता हूँ, तो इसको क्लिक किया इस पॉइंट को, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा क्लोजिंग पॉइंट वहाँ से पे ले लिया था, तो मेरा क्लोजिंग पॉइंट रहेगा ये पॉइंट पे। तो इसको मैंने करेक्शन दे दिया हूँ। अभी सारी इंफॉर्मेशन मेरे यहाँ पे लोड हो गया है। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे जो नो एडजस्टमेंट लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे चूज करना है कॉम्पास रूल्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्लिक किया तो तुरंत आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका पहले पॉइंट था वो आपका क्लोज ये वाला पॉइंट ले लिया है। और साथ ही साथ आप चाहे तो यहाँ पे आपका जो नया टावर्स का पॉली लाइन है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इस पॉइंट से आप क्रिएट पॉली लाइन फॉर्म टावर्स इस बटन को क्लिक करना हो जो आपको यहाँ पे दिखाने के लिए, तो इसको ओके कर देता हूँ। आप यहाँ से आपका जो टावर्स का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें डिस्प्ले टावर्स क्लोजर एंड एडजस्टमेंट रिपोर्ट,
इसमें क्लिक किया तो आपके यहाँ पे टावर्स रिपोर्ट, आपका टोटल टावर्स रिपोर्ट यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डिस्टेंस में कितना एक्यूरेसी में टावर से एडजस्टमेंट किया है हर पॉइंट का, साथ ही साथ वहाँ पे एंगल भी आपको दिखा रहा है और एंगल में कोऑर्डिनेट में एक्स वाई दोनों का अलग अलग आपका एरर बता रहा है कितना है, और साथ ही साथ आपका रेक्टिफाई कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे बता रहा है। आप इस रिपोर्ट को चाहे तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं, तो आप सेव रिपोर्ट में गए, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, इसमें हम टावर्स रिपोर्ट इस नाम से टीएक्सटी फाइल में सेव कर देता हूँ। तो ये सेव कर दिया रिपोर्ट को और आपका टावर्स एडजस्टमेंट कम्प्लीट हो गया, इसको क्लोज करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग पॉलीलाइन था, ये आपका एग्जिस्टिंग पॉलीलाइन और ये आपका करंट पॉलीलाइन। तो मैं करंट पॉलीलाइन को अलग अगर कलर कर यहाँ पे कर दूँ तो आपको देखने में थोड़ा सुविधा होगा। तो इस जगह पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं रेड कलर कर देता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर पॉइंट में जो थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट हुआ है, ये वाई आपका पहले का पॉइंट था और ये आपका एडजस्टमेंट होने के बाद एक कोऑर्डिनेट आया है। तो ऐसे करके हर पॉइंट में आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट का शिफ्टिंग आपको नज़र आएगा। तो एडजस्टमेंट हुआ है मगर आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो पॉइंट बिल्कुल फिक्स्ड है और साथ ही साथ क्लोजिंग पॉइंट फिक्स्ड है। तो इस रिपोर्ट को अगर मैं जो सेव किया उस रिपोर्ट को अगर खोल के दिखाता हूँ तो इस तरीके का रिपोर्ट अप्लाई हुआ है और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन किस मेथड से कैसे आपका एडजस्टमेंट हुआ है, क्या इनपुट डेटा दिया था और आपका रिपोर्ट में क्या आया है, तो ये सारी चीज़ आपका यहाँ पे सेव हो गया है। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपका हेल्पफुल रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे सिविल 3D में अनदर वे में टावर्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।